महेश्वर। दोस्तों, मैं सरासी वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना, असफलताओं का सामना इन 15 दिनों में करना पड़ेगा, तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि के जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और मेष राशि के जातकों के जीवन में यदि नकारात्मक स्थिति निर्मित है, बहुत सारे मेष राशि के जातक वर्तमान में नकारात्मक माहौल से घिरे हुए हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ खास सलाह के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो बेहतर स्थिति आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं 1 से लेकर 15 अप्रैल तक आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल देव पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे। शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे। राहु लगन भाव पर और केतुदेव आपके वैवाहिक भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में शुक्रदेव 6 अप्रैल तक आपके लगन पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात आपके धन भाव पर चले जाएंगे। सूर्य बुध महीने के मध्य तक आपके द्वादश भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जहां गुरुदेव बृहस्पति की युति भी रहने वाली है। 14 तारीख को सूर्यदेव आपके लगन में आने वाले हैं, तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि के लिए 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव राशि के लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं और लगन पर राहु देव गोचर करने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये 15 दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरे हुए रहने वाले हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो शुरुआती 15 दिन आपके जीवन में मान सम्मान के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा और आपको अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए समर्थ रहने वाला है। प्रयासरत जातकों के लिए नई संभावना बनती हुई नजर आ रही है। व्यापार में आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण होने वाला है। हालांकि व्यापार में 6 अप्रैल तक आपको सोच विचार कर ही निवेश करना होगा, उसके पश्चात समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो 6 अप्रैल के पश्चात राशि के धन भाव पर प्रभावी रहेंगे और आपके राशि के लाभ भाव पर शनिदेव इन 15 दिनों तक गोचर करने वाले हैं। तो महीने के 15 दिनों में आर्थिक जीवन के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मेहनत के कारण धन कमाने के अच्छे अवसर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। फिजूल खर्ची और कर्ज की स्थितियां यदि आपके जीवन में
लगातार बनी हुई थी, उससे निकलने में आपको राहत देखने के लिए मिलने वाली है। 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के समयावधि में भौतिक सुखों के ऊपर धन के व्यय की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। विदेशों में यदि आप जुड़े हुए हैं, यदि आपका कारोबार व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव से पारिवारिक सुखों के बारे में विचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर मौजूद होकर अपने पंचम दृष्टि से आपके राशि के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव 6 अप्रैल के पश्चात राशि के दूसरे भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इन 15 दिनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की ज्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। 6 अप्रैल के पश्चात द्वितीय भाव पर शुक्र की मौजूदगी पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाएगी, पारिवारिक एकाग्रता में वृद्धि करेगी और आपके जीवन में खुशियां देने वाली है। यदि पूर्व के समय से किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद निर्मित था, उसके समाप्त होने की प्रबल संभावना बन सकती है। शनिदेव की स्थिति काफी बेहतर है, मंगल देव की स्थिति बेहतर है, भाई बहनों का भी आपको भरपूर सहयोग दिखाई देगा। इस समय अंतराल में यदि आपको शिक्षा के लिए जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको उतार चढ़ाव ज्यादा देखने के लिए इन 15 दिनों में मिल सकता है, इसलिए आपको सोच विचार कर सकारात्मकता बनाकर विद्यार्थी जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उत्साह बनाकर ही आपको चलना होगा, नई ऊर्जा को बनाकर ही आपको चलना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं और राशि के पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही है, तो प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये 15 दिन ज्यादा बेहतर नहीं है। इसमें आपको भावनात्मक रूप से संलयता बनाकर चलना होगा, व्यर्थ के विवाद की स्थिति ज्यादा निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव 6 अप्रैल के पश्चात बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। तो देखिए महीने के 5 दिनों तक यानी 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में 5 अप्रैल तक स्थिति आपके लिए मिली जुली रहेगी और 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको वैवाहिक संबंधों में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग दिखाई देगा। पूर्व के समयावधि से किसी प्रकार का यदि विवाद चल रहा था, उसके समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने के 15 दिनों तक वैवाहिक संबंधों में जो जातक जुड़े हुए हैं, संतान के प्रगति और उन्नति की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए राशि स्वामी मंगलदेव पराक्रम भाव पर मौजूद हैं और आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी बुधदेव राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। राहु देव आपके लगन पर मौजूद हैं। तो देखिए 15 दिनों तक सेहत के मामले में आपको मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। खान पान की आदत पर आपको ज्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके साथ साथ मेष राशि के जातकों को वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। योग ध्यान प्राणायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा, इससे आप सेहत को काफी बेहतर रख सकते हैं। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें भाव पर बना हुआ है, इसलिए आपको यह सावधानी रखनी चाहिए। स्वयं को बेहतर और फिट रखने के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। ज्यादा गंभीर सेहत के मामले में समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले मेष राशि के जातकों को
दो खास बातों का ध्यान, दो खास सावधानियों का ध्यान इस समयावधि में रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले वासनात्मक क्रियाओं से मेष राशि वाले जातकों को बचकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी सावधानी, मेष राशि के जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान इन 15 दिनों में रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। समय का दुरुपयोग ना करें, व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में उलझने से भी आपको बचना चाहिए। शनिदेव आपके लगन भाव को देख रहे हैं तो यहां पर मेष राशि के जातकों को दोस्ती कम से कम रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नकारात्मक मित्र मंडलियों से आपको दूरी बनाकर चलना होगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए राशि स्वामी मंगलदेव शत्रु राशि में मौजूद हैं, पराक्रम भाव पर मौजूद हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। हर दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। मंगलवार के दिन गरीब व्यक्तियों में आप भोजन डोनेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ माता पिता के साथ साथ परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सूर्य द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं तो पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें और प्रतिदिन सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठें। इन धार्मिक उपायों को करके अप्रैल के 15 दिनों में आप बेहतर स्थिति निर्मित कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।